हेलो, वेलकम टू माय व्लॉग फ्रेंड्स। मन्नू भाई को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। एक ही मॉडल है? हाँ जी, टॉप मॉडल सर, दो ब्लू कलर पड़ रहे हैं, 222 सिर्फ कलर का डिफरेंस है। ओमेगा का अच्छा, 221,000 ये सिल्वर वाला है और 222,000 ब्लू वाला। ये ऑन रोड प्राइस है ना? अच्छा, कलर डिस्प्ले का फ़र्क है वो 1,000 रुपीस का। इसका ऑन रोड प्राइस क्या है? 2,03,000। ये 150 cc होगा, 150। सेम इंजन है। अच्छा, 155 सेम इंजन लिक्विड। और फिर से यामाहा की बाइक जो है वापस आ गई है फॉर्म में। ये 250 cc है। इसका ऑन रोड क्या था? ये पड़ेगा 1,88,000 ऑन रोड, जबकि उसका इंजन पावरफुल है। प्राइस इनका ज़्यादा है क्योंकि ये पावर इसमें ज़्यादा है, इनमें टॉर्क और BHP ज़्यादा है। अच्छा, ये लिक्विड कूल्ड है, वो ऑयल कूल्ड है। और ये भी 250 है? इसका प्राइस 1,40,000 ऑन रोड। वो तो सेम ही है, इसके भाई खड़े हैं आगे। ब्लूटूथ मतलब नेविगेशन है? और भाई स्कूटर का क्या ऑन रोड है? 1,03,000। कितना सीसी है? 125। ये न्यू आया है, या यामा का न्यू स्कूटर है ना? और सुंदर भी है ये। अच्छा, ये तो कुछ डिफरेंट सा स्कूटर लग रहा है, क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। और ये तो 155 वाला यहाँ बाइक है? नहीं, 150 ये वर्जन 4। इसका ऑन रोड 153। अच्छा, 153 परसों लॉन्च हुआ है, नया बाइक है। ₹1,53,000 ऑन रोड। सुंदर है बहुत ज़्यादा। पता है ना आपको क्यों बना रहा हूं? व्लॉगर्स, बाकी बहुत सुंदर बाइक्स हैं और ये वाला तो बहुत सुंदर है, मगर ये इसका कलर ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, ब्लू। ये 155 है, मगर टॉप स्पीड इसकी लोगों ने 150 से भी ज़्यादा चलाई है ना, 160 तक भी लोग इसको चला देते हैं, क्या चक्कर है? और इसके टायर वगैरह मेरे ख्याल ये फिसलती नहीं है। इसकी BHP अच्छी है ना? कितना BHP है? ड्यूअल चैनल ABS है, और इसको पकड़ के वो फील आता है सुपर बाइक वाला ना। इसका ऑन रोड कितना था? 231। हाँ जी, ट्रैक मोड आ जाएगा। अच्छा, ट्रैक मोड। इसका मीटर भी कितना सुंदर है।
और क्या फीचर्स है? नेविगेशन है इसमें? नेविगेशन ही TCS आ रही है। वो क्या होता है? जैसे अगर आपका कुछ स्लो स्पीड में टायर स्लिप हो जाता है तो गाड़ी का इंजन ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है, सेफ्टी फीचर। अच्छा, आदमी को दबा के और चोट ना लगे, बच जाएगा। बाकी तो उसके यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, इसके वॉल पेपर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, तीन डिज़ाइन आ जाते हैं। अच्छा, टूरिंग के लिए जैसे ज़्यादा कहीं दूर दूर जाना है, ठीक है, कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है सर। ब्लैक वाली का नाम क्या है? MT15, वही जो आगे। अच्छा, MT15, ये ब्लैक कलर है। ऑन रोड इसका 2,03,000। ठीक है, इसमें भी TCS आएगा, ड्यूल चैनल ABS आएगा। ड्यूल चैनल ABS। फ्रेंड्स, यामा की बाइक्स की जो ग्रिप है और जो पावर है बहुत अमेजिंग है, और स्टाइल तो एकदम मॉडर्न है। आज के जितने भी मॉडर्न यंगस्टर्स, जितने भी, सबको चाहिए मॉडर्न बाइक्स हैं। और ये ब्लू वाला FZX का ऑन रोड, ये सब पड़ेगा 1,61,000। ये 1,61,000 ऑन रोड है। ये देखो ब्लू कलर, इसकी बड़ी सी टैंक है, फ्यूल टैंक काफ़ी बड़ा लग रहा है। कितना कैपेसिटी है इसका? 12 लीटर। अच्छा, 50-60 की माइलेज दे देती है। देखो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी यामा की बाइक है। यामा के आप सभी हमेशा से फैंस हैं, आप इनके अलॉय स्टाइल मॉडर्न लुक्स देखो। और ये देखो, एक बार ब्लैक कलर की है, मैट ब्लैक, कॉपर कलर भी अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैट ब्लैक कलर है, कॉपर कलर आपको दिखाता हूँ। वो देखो कॉपर कलर, गोल रेट्रो लाइट है एकदम मॉडर्न। आगे से उस लाइट को क्या बोलते हैं, आगे कुछ गोल गोल लगा है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प लगा है उसमें। देखो वो कॉपर कलर है, मेटल बॉडी है, कोई प्लास्टिक नहीं है, पूरी सॉलिड बाइक है। अच्छा, मेटल का मडगार्ड है फ्रेंड्स इसमें पूरा, और बुलेट वालों की तरह सब मेटल है, कोई प्लास्टिक नहीं लगाया, आपका कुछ टूटेगा नहीं। और यामा की बहुत अच्छे ब्रांड की बाइक है, जिसे आप हमेशा से RX 100 के टाइम से प्यार करते आए हैं। आपको यामा की 350 RD याद है? इतनी पावरफुल बाइक थी। तो फ्रेंड्स, इनका बहुत अच्छा शोरूम है यार। सर्विस